नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, बेहद बुरी खबर आ रही है। तो हरियाणा में शोक की लहर, तो पूरे परिवार का हुआ है निधन, तो पसरा है मातम। बता दें कि माँ की अस्थियां गंगा में विसर्जित करके लौट रहा था परिवार, कार पेड़ से टकराई, सगे भाई बहन की मौत। तो अपनी माँ की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित सिरसा लौट रहे परिवार की कार फतेहाबाद के भूना क्षेत्र में ढाड़ी गोपाल चौक के पास चालक को नींद की झपकी आने के कारण पेड़ से टकरा गई। कार की गति अधिक होने के कारण पेड़ से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण टक्कर में सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मृतकों में 57 वर्षीय बजरंग दास व 36 वर्षीय बबली देवी शामिल हैं। इसके अलावा घायल 22 वर्षीय शिवा व 40 वर्षीय राकेश कुमार को पहले सीएससी भुना भेजा गया, जहां से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार सिरसा के गौशाला रोड निवासी वृद्ध महिला विरमा देवी टॉक के निधन के बाद उनके बेटे बजरंग दास व बेटी बबली देवी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शुक्रवार को अस्थियां गंगा में विसर्जित करने गए थे। वह शनिवार सुबह वापस सिरसा चले गए थे, मगर ढाणी गोपाल चौक पर तेज रफ्तार के कारण कार पेड़ से टकरा गई। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस व पुलिस को जानकारी दी। एम्बुलेंस लेकर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त कार से घायलों को निकालकर सीएससी भूना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में बबली को मृत घोषित कर दिया, जबकि सिवा बजरंग दास तथा राकेश को अग्रोहा रेफर कर दिया। इलाज के दौरान बजरंग दास ने भी दम तोड़ दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बेहद बुरी खबर आ रही है।